परीक्षित का प्रसंग इसलिए इन सब तथ्यों के साथ उद्घाटित, मोक्ष का मार्ग है यह श्रीमद् भागवत, मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो मोक्ष के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो, तुम्हें कपट रूप रसायन का त्याग करना होगा, अपराध करके भी निरपराधी सिद्ध करने का तुम ये यत्न कर रहे हो, तुम का अर्थात जीव जीवात्मा को मोक्ष चाहिए, तुम अपने उद्धरे दात्मान आत्मान आत्मान अवसाद, भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्थ अध्याय में गीता, उद्धरेत आत्मान आत्मान, तुम अपने ही द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करने की इच्छा रखो, तुम्हारा उद्धारक कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं है, तुम्हें अपने उद्धार का मार्ग प्राप्त होते ही चल पड़ना होगा। अच्छा एक बात देखो, आम का दिन आया है ना, तो आम आम रटो तो आम का रस मिलेगा, पेट भर जाएगा, आम आम दिन आम 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 आम, अच्छा चलो मीठा मिश्री खाने की इच्छा, मिश्री 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 रटो तो जीवा पर मीठा सहेगा क्या, नहीं ना, जीवा पर मिठास नहीं आने वाला है मिश्री मिश्री कहने से, लेकिन मिश्री यदि खिला दिया जाए तो मिठास मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो ये जो भागवत क्या है, शब्द ब्रह्म है। अब जरा दृष्टांत को सीधे घटाओगे तो पकड़ में आ जाएगा, ये भागवत क्या है, ब्रह्म रस है, ये भागवत क्या है, शब्द रस है, कृष्ण रस है, आनंद रस है, इसमें एक रस है। अब तक जो आप सुन रहे थे तो आपको क्या लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, एक रस मिला, एक रस आया कि हमें अपराध की स्वीकृति स्वतः अपने जीवन में करनी चाहिए, ये उन्मुक्तता का रस है। जब ही आप स्वीकार करोगे आपके भीतर इस स्वीकृति मात्र से आपके भीतर एक उन्मुक्तता का रस प्रवाहित होना आरंभ हो जाएगा। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और उस परमात्मा का जो नाम है, नाम और नामी, ईश्वर का नाम और नामी अभिन्न है, जगत का नाम और नामी भिन्न भिन्न है, लेकिन परमात्मा अपने नाम में समाया हुआ है। इस भिन्नता के द्वारा हम भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक दृष्टांत आपको दिए, विपरीत दृष्टांत, कि मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होगा, लेकिन राम राम कहने से राम रस उतरने लगेगा आपके हृदय में। इसीलिए किसी ने गाया, राम नाम अति मीठो है, गाया ना, आप लोग भी गाते हो, राम नाम अति मीठो है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है।
देख ले, जरा जाके देख लो आ जाते गाँव में तुम्हें पता लगेगा वही तुम्हें गाय कैसे पता लगेगा देख ले राम नाम अपनी छोड़ कोई गाके देख ले आ जाते हैं आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख लो राम नाम हॉस्पिटल से नहीं ना आए हो सब हॉस्पिटल से आए हो मुर्दा जैसा लगता है कि मुर्दे सब बैठे हैं हॉस्पिटल से नहीं ना आया हो अरे प्यार से ना लगे कि यहाँ आदमी बैठे जगे हुए जगा हुआ व्यक्ति बैठा है आनंद में भरा हुआ राम हाथ उठा जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम और हाथ नीचे कर लीजिए नीचे कर लीजिए और धीरे धीरे प्यार से अपने गोद में कोई गोद में हथेलियों को रख करके झूमते हुए मंदिर है मेल नहाने देना भगवान का मंदिर है मेल नहाने देना हीरा जन्म अनमोल मिलाय सुदर्थ न जाने देना हीरा जन्म अनमोल मिलाय सुदर्थ न जाने देना मन भगवान का मंदिर है भगवान का मंदिर है मेल नहाने देना हीरा जन्म मिला है इसको व्यर्थ न जाने देना दर्श हरि के मिलते सर झुका के देख ले Thank you.
सर जो